सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वोकैबुलरी ऑफ बी नाउ। जैसा कि इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बी की एक मतलब डे वन की क्लास हम ले चुके थे होली के पहले। आज इसका पार्ट टू, यानी आज हम लगभग मैंने 20-22 वर्ड पढ़े हैं अभी, उसके आगे चलते हैं। तो आज के पहले वर्ड से शुरू करेंगे। पहला वर्ड लिखा है बिसीज। क्या लिखा हुआ है? बिसीज मतलब वो बंदा जो है वो लड़की के पैर पकड़ के ऐसा बेचारा बिसीज कर रहा है, और लड़की पसीज भी नहीं रही है। मतलब बिसीज को पसीजने से याद कर लो कि वो इतने भी नहीं बोली, चलो ठीक है सॉरी, ठीक है। तो लड़का बिसीज कर रहा है और लड़की पसीज भी नहीं रही है, तो बिसीज को पसीजने से याद कर लो। पसीज जाना मतलब इसका हृदय जो है ना वो, अरे चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा, तो हम भगवान इसके साथ गिड़गिड़ा रहे हैं। गिड़गिड़ाना जिसको बोलते हैं, विनती करना, गिड़गिड़ाना, निवेदन करना, आग्रह करना, उसी का एक फॉर्म है, उसी को बढ़ा रहे हैं अपन। आग्रह को ऊपर बढ़ाते जाएंगे तो गिड़गिड़ाना हो जा रहा है, वो मतलब एक ही है। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिसीज करना। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आप बोलोगे इम्प्लोर। क्या करना? इम्प्लोर करना। बैग तो आपको पता है भीख मांगना है ना, तो भीख मांगने का ही एक रूप है। एंट्रीट करना, सप्लीकेट करना, प्रे करना। अब प्रे टू एनीवन हो सकता है, प्रे टू गॉड हो सकता है, ठीक है। तो इन सब का बेसिक मतलब क्या निकलता है? निवेदन करना, आग्रह करना, गिड़गिड़ाना, ठीक है। तो बिसीज, बिसीज करना मतलब गिड़गिड़ाना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इम्प्लोर। ये बड़ा अच्छा वर्ड है इसके लिए। ही वॉज इम्प्लोरिंग टू हेल्प हिम। वो मदद मांगने के लिए क्या कर रहा था? इम्प्लोर कर रहा था। क्या कर रहा था? इम्प्लोर कर रहा था। ही वॉज इम्प्लोरिंग, ठीक है। तो इम्प्लोर मतलब प्रार्थना करना या गिड़गिड़ाना, ठीक है। तो बिसीज यानी गिड़गिड़ाना, बिसीज यानी याद कर लीजिए फटाफट, बिसीज मतलब गिड़गिड़ाना। एक बार और मेरे साथ रिपीट करिए, बिसीज मींस। इंग्लिश में याद करेंगे बिसीज मींस इम्प्लोर, बिसीज मींस इम्प्लोर, बिसीज मींस इम्प्लोर। या बैग, बैग बड़ा कॉमन वर्ड है, आपने बचपन से लिखा आई बैग टू से दैट, है ना। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, 2 दिन की छुट्टी के लिए आपने बहुत गिड़गिड़ाया, इट मींस दैट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बिसीज यानी आग्रह करना। बिसॉटेड, बिसॉटेड मतलब होता है कि नशे में हो जाना, किसी चीज के लिए दीवानापन रखना, पागल हो जाना। जैसे ये बंदा जो है वो शराब पी रहा है, पहले पिया फिर नीचे आया फिर वो गिर ही गया, वो ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक सीधा नीचे। बिसॉटेड है ना, उसने ऐसे शराब के 2 शॉट मारे और फिर वो गया, तो वो क्या हो गया? मतलब किसी चीज में मदहोश हो गया, पागल हो गया, तो उसे कहते हैं बिसॉटेड। क्या बोलेंगे? बिसॉटेड, बिसॉटेड, बी सॉटेड। इन्फैचुएटेड, इन्फैचुएट मतलब किसी के प्रति मोहित होना, आकर्षित होना, इन्फैचुएशन। क्या बोलते हैं? यू आर इन्फैचुएटेड टू मी। इन्फैचुएट मतलब आप मेरी तरफ आकर्षित, तो इन्फैचुएट होना। क्या बोलते हैं? इन्फैचुएशन आकर्षण का एक रूप है। इन्फैचुएशन, चार्म्ड बाय, कैप्टिवेटेड बाय, किसी चीज में खो जाना। जैसे हमने कोई दृश्य देखा तो हम उसके खूबसूरती में क्या हो गए? हम कैप्टिवेट हो गए। कैप्टिवेट मतलब खो जाना, ठीक है, कैप्टिवेट हो जाना। एनचेंटेड, ये भी इसका मतलब होता है, एनचेंटेड हो जाना, फिदा हो जाना, एनथ्रेल्ड हो जाना, किसी चीज को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाना। इसमें आप बोल सकते हो बिविच्ड, बिविचिंग ब्यूटी, ऐसा बोलते हैं ना, चुड़ैल खूबसूरत होती है ना, इसलिए विच यानी चुड़ैल होता है, तो बिविच यानी खूबसूरत चुड़ैल, इसलिए पिक्चर में चुड़ैल को खूबसूरत दिखाया जाता है। इनडिफरेंट, इनएब्रिएटेड, इनएब्रिएटेड मतलब होता है पूरी तरह नशे में होना। इनएब्रिएटेड यानी ही वॉज इनएब्रिएटेड, यानी वो नशे में था। इनएब्रिएटेड मींस नशे में होना, इनएब्रिएटेड नशे में होना। तो ये सारे शब्दों का मतलब एक क्या मतलब होता है? किसी चीज पे के लिए पागल हो जाना, किसी चीज के लिए मंत्रमुग्ध हो जाना, ना ना फिदा हो जाना, जैसे वर्ड हमारे पास। तो बिसॉटेड, बिसॉटेड यानी एक बहुत अच्छे अच्छे वर्ड इसमें आप याद कर सकते हो। बिसॉटेड का एक वर्ड हमारे पास क्या आया? इनफैचुएटेड। क्या आया? इनफैचुएटेड। इनफैचुएटेड मतलब किसी चीज के प्रति हमें बहुत ज्यादा आकर्षण महसूस हो रहा है, तो हम इनफैचुएटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनफैचुएटेड। या चार्म्ड, चार्म्ड बाय, वो एक क्रीम आती थी चार्मिस, पहले आती थी चार्मिस, वर्ड चार्म से ही बना है। चार्म यानी कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगना। कैप्टिवेटेड मंत्रमुग्ध हो जाना, खो जाना, ठीक है। इन सब का मतलब क्या निकल रहा है? बिसॉर्टेड होना। तो बिसॉर्टेड के कौन कौन से वर्ड हमने पढ़ लिए? बिसॉर्टेड यानी इन्फैचुएटेड, चार्म्ड, कैप्टिवेटेड, एनचेंटेड, एनथ्रेल्ड, बिविच्ड, इनेब्रिएटेड। इनेब्रिएटेड का बेसिक मतलब होता है नशे में होना, ठीक है।
अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल बेसिकली. बेस्टियल वर्ड एक्चुअली बीस्ट से निकला है. बीस्ट मतलब होता है जो खूंखार सा जानवर, रखा ना बीस्ट, तो बीस्ट के लिए वर्ड हमारे पास है. ब्रूटिश, ब्रूटल, खूंखार, वहशी, एक बड़ा अच्छा वर्ड आया इसमें, तो वहशी होना है ना. ब्रूटिश, ब्रूटल मतलब खूंखार, या क्रूर, डिप्रेव्ड, जो वंचित होता है, कोई चीज है नहीं उसके पास, इसलिए डिजेनरेटेड, परवर्टेड, इमोरल, अमोरल, मतलब इसका मतलब होता कहीं ना कहीं जिसमें नैतिकता ना हो, जिसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए, जो किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी हद तक गलत काम कर सकता हो, उसे हम कह सकते हैं ही इज अ बेस्टियल. क्या बोल सकते हैं? बेस्टियल या परवर्टेड. इमोरल, इमोरल वर्ड मॉरल से बना है. मॉरल क्या होता है? हमारा मॉरल, मॉरल मतलब नैतिकता, तो नैतिकता का हनन हो चुका हो, नैतिकता खत्म हो चुकी हो, इंसान में नैतिकता नहीं है, उसे कहते हैं इमोरल होना या अमोरल. इमोरल ना लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो? अमोरल. अमोरल और इमोरल एक ही मीनिंग के वर्ड है. अमोरल, इमोरल, परवर्टेड, डिप्रेव्ड, डिजेनरेटेड, ब्रूटल, ब्रूटिश. ब्रूटल का मतलब ही होता है ना, जो क्रूरतापूर्ण काम करने वाला. ठीक है, समझ में आया? तो हमारे पास बेसिक वर्ड क्या था? बेस्टियल. बेस्टियल मतलब वहशी. ठीक, याद हो रहे वर्ड? नहीं हो रहे? इसको रोज याद करना. देखो, याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं. वर्ड तो हम कई तरीके से पढ़ सकते हैं, रूट से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार आपको इसको अच्छे से रटना ही पड़ेगा. उसका कारण है कि रटना क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में कोई भी एक इमेज बहुत देर तक टिकती नहीं है. हम अब किसी चीज को देख लेते हैं ना, तो देखने के बाद उसकी इमेज थोड़ी देर तो हमारे दिमाग में रहेगी, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रहेगी, आप उसे भूल जाओगे. आपने दो दिन नहीं पढ़ा ना, ये आपके माइंड से वॉश आउट हो जाएगा. उसका कारण है क्योंकि आप दिन भर कुछ ना कुछ देखते रहते हो. भाई, अगर मैं आंख पूरे टाइम बंद रखूं और कुछ सोचूं भी ना, और जब मैं आंख खोलूं और मैं एक चीज देखूं, तो मुझे वो याद हो जाएगी क्योंकि मैंने वो एक ही चीज देखी है. लेकिन ऐसा होगा नहीं. आप क्या करते हो? आप मतलब दुनिया का हर इंसान, जैसे हमने आंख खोली, आंख खोलते ही हमें कोई ना कोई चीज दिखने लग जाएगी. और जैसी मुझे वो दिखी वो चीज, बस वो दिखा और मेरे मन में एक विचार आया, भाई मैंने घर से निकला और एक कार देख ली, बड़ी खूबसूरत लंबी सी कार, माने का वाह यार क्या कार है. अब 5 मिनट तक मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? वो कार चल रहा है. वहां से मैं रुका, एक चाय की दुकान पर रुक गया, मैंने चाय पी, चाय वाले ने दो बात कर ली, वहां पे 4 लोग बात कर रहे थे, फिर मैंने उनकी बातें सुन ली, उनको देख लिया. ऐसे रात तक क्या हो रहा है? पूरे टाइम इंप्रेशन दिमाग में जा रहा है. अब उस पूरे इंप्रेशन के दौरान आपने कुछ काम के शब्द पढ़ लिए, लेकिन वो काम के शब्द कहाँ मिक्स हो गए? उस पूरे आज की पूरी स्मृति, जितने भी आपने मतलब आपने देखा है, वो सब के अंदर वो वर्ड भी गए. अब आपका दिमाग वो क्या बोल रहा है? मुझे वो खास वर्ड है, लेकिन इंप्रेशन तो 1 लाख आ गए. भाई रात तक 1 लाख चीजें आप देख चुके होगे, तो 1 लाख इंप्रेशन में आपने वर्ड पढ़े 25-30, वो आपके बड़े काम के थे. वो 1 लाख में 30 वर्ड कहाँ चले गए पता ही नहीं चला. तो आपको उन 30 वर्ड को क्या करना पड़ता है? बार 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 देखना पड़ेगा. एक बार आप उन 30 वर्ड को देखने लग जाओ, फिर आपको वो याद होने लगेंगे. एक बार अच्छे से याद करना ही पड़ेगा, फिर रोज रिवीजन करना पड़ेगा. और कब तक रिवीजन करना है? जब तक कि वो अपने को पेपर नहीं निकल जाता. जिस दिन पेपर निकल जाए, बस फिर आपको कोई चिंता की बात नहीं. फिर तो आपसे कोई पूछ नहीं रहा बी सॉर्टेड का मतलब क्या है. फिर तो आपका ही स्किल है कि भाई मुझे पता है बी सॉर्टेड, तो 4 लोगों में आप बोल देना, नहीं बोलना हो तो नहीं बोलना, आपकी कॉपी अपन सब चलेंगे इलाहाबाद, बढ़िया वहाँ पे गंगा में अपन बढ़िया बेहतरीन वहाँ पे ऐसे भाएंगे और ऐसे ऐसे हाथ जोड़ लेंगे, हे प्रभु अंग्रेजी अब मत आना परेशान करने, है ना, इतना अपन कर लेंगे. लेकिन जब तक एग्जाम नहीं निकले तब तक क्या करूँ? यही सबसे महत्वपूर्ण है, इसे हमें बिल्कुल याद करना है. याद करना ही है और याद होगा ही. बार 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 सुनना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, तो याद होने लग जाएगा. एक ही बार के भरोसे बैठे वो भूल जाओगे आप, मतलब भूलोगे ही भूलोगे. इसमें कोई दो ऑप्शन है ही नहीं कि सर मैं भूल जाता हूं, आप भूलोगे ही. दुनिया का हर इंसान भूल जाता है. तो भाई ये आ गया हमारे पास नया वर्ड बीट्रे. क्या आ गया? बीट्रे. पिक्चर में दिखाते हैं ना कि ऐसे एक आदमी ऐसे ट्रे लेके जा रहा है और नीचे उसने बंदूक लगा के छुपाई हुई है ट्रे के नीचे. बस उसने ट्रे हटाई और बाद में ढाए 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 तो ट्रे के नीचे उसने बंदूक छुपा के धोखा देने के लिए ट्रे दिखा रहा था, बाकी तो उसको मारना ही था उसे. तो बी ट्रे से ट्रे याद कर लो. ट्रे के नीचे उसने कुछ छुपाया हुआ था और वो ट्रे हटा के उसने गोली मार दी उसको. बी ट्रे किया, क्या किया? धोखा दिया उसको. तो बी ट्रे मतलब क्या होता है? धोखा देना किसी को, है ना.
डिस्ट्रस्ट करना, धोखा देना, जैसे ये पेड़ लगा रहा है, यही पेड़ इसको निपटाने पे लगा हुआ है, इसका मतलब वो दिखा रहा है इसका कि अपन अच्छा कर रहे हैं किसी के लिए, सामने वाला वही अपना बुरा करता है, तो बिट्रे करता है। बिट्रे मतलब पीठ पीछे खंजर भोंकना। हाँ, फोरसेक यानी माफ करना होता है। हाँ, इसको अपन एक काम करते हैं, ये वर्ड कुछ हटा लेते हैं जो आपके काम के नहीं हो। डिसीव लिख लो, ट्रिक लिख लो, फोरसेक हटा दो, गलती से इसमें आए होंगे ये। अबेंडन, डिस्क्लोज, रिवील, एक्सपोज, ये गलत वर्ड छप गए इसमें, मतलब लिखे हुए, इनको आप हटा दीजिए, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो डिसीव यानी ट्रिक या धोखा या चीट, हम यहाँ पे चीट लिख लेते हैं। डिसलॉयल लिख सकते हैं, डिसऑनेस्ट लिख सकते हैं, डिसऑनेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है, ये वर्ड वर्ड लिख लो, चीट, डिसलॉयल, डिसऑनेस्ट, इन वर्ड्स को आप हटा दीजिएगा। चीट, डिसलॉयल, डिसऑनेस्ट, आगे चलते हैं। तो बिट्रे मतलब क्या होता है? धोखा देना। बाइगॉट, बाइगॉटरी, बाइगॉट, बाइगॉट मतलब होता है, ये कट गलत लिख रहा है, इसको अपन करते हैं, इसको आप ऐसे समझो, ही इज अ बाइगॉट पर्सन। बाइगॉट इंसान जो होता है ना, वो एक तरफा व्यवहार रखेगा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, हम बोलते हैं ना, हमारा जो समाज है वो मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज। इसका मतलब है कि समाज में ज्यादा अधिकार जो है वो पुरुषों को दे दिए गए, महिलाओं को नहीं दिए गए, तो वो एक प्रकार का क्या सा वर्ड है, वो बाइगॉटरी है, ये बाइगॉटिज्म है, कहीं ना कहीं एक तरफा है, ये बैलेंस नहीं है। मतलब दो चीजें होनी चाहिए ना भाई, ये तराजू है, दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए, लेकिन बाइगॉट इंसान क्या होगा, इधर तो कुछ ने रखा ही नहीं है, सारे अधिकार इधर कर दिए, बोले इधर कुछ नहीं, या दिए भी तो दिखाने मात्र के लिए बहुत थोड़े से अधिकार दे दिए, तो ये बाइगॉटरी है कहीं ना कहीं, है ना। तो ऐसे चीजों को हम बाइगॉट कहते हैं, मतलब वो एक तरफा, हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरफा, एक तरफ का जो रैशनल है हम जिसको बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो शोविनिस्ट, शोविनिस्ट मतलब होता है एक तरफा, जैसे पुरुष प्रधान समाज, तो हम इसको बोलते हैं मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी। क्या बोलते हैं? मेल शोविनिस्टिक, शोविनिज्म बोलते हैं उसको, तो मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी। फैनेटिक यानी पागल, अब किसी का बहुत ज्यादा जबरदस्त फैन है कोई, अब वो व्यक्ति जो है वो किस प्रकार का है, और उसके दो तीन लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल उसके बिल्कुल शुद्ध चेले हैं, अब वो व्यक्ति जो है वो गलत प्रकार का व्यक्ति, उसने कहा कि जाके उन दो लोगों को मार दो, तो ये जो दो लोग हैं ना, जाके मार देंगे उसको, बल्कि उसको पूछना चाहिए कि सर उनको क्यों मारना है अपन को, पहले उनने गलती क्या, बोले नहीं गलती वलती नहीं, बंदूक दे दी, बोले रेलवे स्टेशन पहुंचना मुंबई के, और तुम तो गोली चलाना शुरू कर देना, चाहे जो मरे जाए। अच्छा, वो जो है बंदा, वो जो टेररिस्ट था, वो क्यों गोली चला रहा था और किसको मारना चाह रहा था, लेकिन वो तो सब मर रहे थे वहां पे जितने को गोली लगी, और उनकी कोई गलती तो थी नहीं। तो ये जो लोग हैं ना, इनको क्या बोल सकते हैं आप, ये फैनेटिक हैं, ये उस लेवल पे कट्टरता दिखा सकते हैं कि ये पूछेंगे भी नहीं अपने बॉस से कि मुझे क्यों करना है, दे डोंट आस्क इवन, बॉस ने बोला ना करना है तो करना है, अब उसके पीछे नो क्वेश्चंस, उसके पीछे कोई क्वेश्चन भी नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों को बोलते हैं फैनेटिक होना इंसान, जीलेट, इतने ज्यादा जोश में है कि उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, अंधा हो गया वो, जील, अधिक ऊर्जा, अधिक उत्साहित होता है ना, जब ज्यादा गुस्सा होते हैं तो हमें दिखना बंद हो जाता है, हम कितना गुस्से में क्या गलत काम कर लेते हैं, फिर बाद में याद आता है, अरे यार मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। तो जीलेट इंसान कैसा होगा, जील, जिसके अंदर जोश बहुत ज्यादा है, अधिक ऊर्जा की वजह से भी, रेसिस्ट, सेक्सियस, ये जो वर्ड होते हैं ना, ये सब किसी एक धर्म, एक जाति, एक अनुयायी, एक किसी चीज के प्रति ही आगे बढ़ रहे हैं, ये बैलेंस लेके नहीं चलेंगे। कोई व्यक्ति रेसिस्ट है, तो जैसे होते ना कि रेसिज्म है कई देशों में, कि भाई आपका शरीर का रंग काला है, आपको हम, जैसे महात्मा गांधी को ट्रेन से क्यों फेंका गया, बोले आप काले थे, तो भाई रंग भेद नीति है ना, तो वो क्या है भाई, पहले दुनिया में तो ईश्वर ने सबको, भगवान ने सबको एक जैसा बना दिया, अब कोई कहीं रहता है तो उसका रंग वैसा है, लेकिन नहीं, बोले नहीं आप काले हो, हम गोरे हैं, गोरे ज्यादा अच्छे होते हैं, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का रेसिज्म हो गया, है ना। इसी प्रकार सेक्सिस्ट होते हैं, सेक्सिस्ट लोग भी जो होते हैं वो किसी एक जाति, एक विशेष के हिसाब से, उन्होंने कहा पुरुषों को ही सारी बात करेंगे, महिलाओं को अधिकार नहीं, या कहीं उन्होंने कहा सिर्फ महिलाओं को अधिकार देंगे, पुरुषों को कोई अधिकार नहीं। तो ये सारे के सारे वर्ड क्या कर रहे हैं, एक तरफा चल रहा है, ये बराबर बैलेंस काम नहीं करते, उनको बोलते हैं बाइगॉटरी। क्या बोलते हैं? ये होते संकीर्ण सोच वाले, ये होते हैं नैरो माइंडेड। क्या बोल सकते हैं हम इनको? नैरो माइंडेड या संकीर्ण सोच लिख सकते हो आप, ये आप यहां नैरो माइंडेड लिख सकते हो, नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड या संकीर्ण सोच, छोटी सोच, है ना, इसको बोल सकते हैं।
आगे चलते हैं। ब्लेसफेमी, ब्लेसफेमी, फेमी फेम नेगेटिव वर्ड है, फेम नेम एंड फेम, फेम यानी फेमस, फेमी यानी, लेकिन फेमस वर्ड जो होता है वो फेमी को भी दिखाता है, यानी अपमान करना, किसी का नाम खराब करना। और ब्लेसफेमी जो होती है खासकर वो होती है ईश निंदा। क्या होती है? ईश निंदा यानी धर्म या ईश्वर के खिलाफ, के अगेंस्ट कोई ऐसी बात बोलना जो आपत्तिजनक हो, उसे कहते हैं ब्लेसफेमिस स्टेटमेंट। जैसे बीच में काफी चला था, शंकराचार्य जी थे, उनका बयान आया था, उन्होंने कहा कि भाई साईं बाबा की लोग पूजा करते हैं, साईं बाबा की पूजा नहीं करनी चाहिए, हिंदुओं को तो करनी नहीं चाहिए, वो तो मुस्लिम थे, नॉनवेज खाते हैं, ये है वो है, तो ऐसे करके बहुत सारे लोग बात करते। तो एक कई लोग जो मानते हैं, जिनकी आस्था जुड़ी है, उन्हें बुरा लगे कि यार बताओ हम तो साईं बाबा को इतना मानते हैं और ये तो ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया? ब्लेसफेमी स्टेटमेंट हो गया। तो ब्लेसफेमी का मतलब क्या होता है? ईश्वर या धर्म के लिए के आपके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना या उनकी बुराई करना या आलोचना करना, उसे कहते हैं ब्लेसफेमिस। सैक्रिलीजियस इसका मतलब है, सैक्रिलीजियस का मैं वर्ड आया सैक्री से, सैक्री वर्ड सैक्रेड को दिखाता है, सैक्रेड मतलब होता पवित्र, तो पवित्र को कर दिया अपवित्रित। सैक्रिलीजियस मतलब कर देना अपवित्रित करना, प्रोफेन यानी प्रदूषित करना, अपवित्रित करना। इरिलीजियस जो रिलीजियस ना हो वो एक प्रकार से इरिलीजियस हो गया। Irreverent, reverent मतलब होता है respect, irreverent मतलब disrespect, reverent, he is a reverent person, मैंने किसी के लिए क्या कहा? He is a reverent person, तो व्यक्ति reverent है मतलब respectful है, जिसकी respect की जानी चाहिए। तो irreverent जो हो जाए तो वो disrespectful हो जाएगा। और impious, impious word pious का उल्टा, पायस मतलब होता है पवित्र, पायस वर्ड संस्कृत के शब्द पायसम से निकला है, पायसम मतलब होता है दूध। अब ईश्वर को, भगवान को हम जो भी चढ़ावा या प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं तो आप देखोगे ज्यादातर चीजें जो है वो मिल्क या दूध से बनी होती हैं। तो संस्कृत में पायसम वर्ड होता है, तो पायसम से वर्ड निकला पायस, पायस मतलब होता है पवित्र, तो पायस से बना इम्पायस, इम्पायस यानी अपवित्रित। और इसी प्रकार एक वर्ड हमारे पास अनहोली, होली मतलब होता पवित्र, जैसे गंगा, द गंगा इज अ होली रिवर, है ना, होली यानी पवित्र नदी है, तो होली से बन गया अनहोली यानी बन गया अपवित्रित। ये सारे के सारे शब्द कहीं ना कहीं तिरस्कार, अपवित्रित करना, किसी चीज को प्रदूषित करना, बुरा बोलना, निंदा करना, तिरस्कार करना, खासकर ईश्वर निंदा या ईश निंदा कहते हैं। क्या कह देते हैं? ईश निंदा, ईश निंदा यानी ईश्वर की निंदा करने वाला, ईश निंदक, है ना। आगे चले नेक्स्ट वर्ड पे, ब्लेटेंट, ब्लेटेंट बोलना, ओपनली बोलना, लाउड बोलना, तेज बोलना, भले वल्गर बोलो आप, तेज बोलो, बुरा बोलो, गंदा बोलो, अश्लील बातें बोलो, लेकिन सबके सामने बोलो, तेज बोलो, छुप के नहीं बोलना है, धीरे नहीं बोलते, ऐसे लोग होते हैं ब्लेटेंट। कैसे होते हैं? ब्लेटेंट, ओपनली लाउड एंड वल्गर, आप एक कॉमन भाषा में समझ लो, प्रबल, शोर मचाने वाला, जबरदस्त, लेकिन बुरा ही बोलेगा, अशेम्ड करेगा, शेमलेस बातें कर सकता है, लेकिन वो तेज करेगा, माइक पे करेगा, ऐसे छुपके नहीं करेगा। ये होते हैं ब्लेटेंट लोग, है ना। ये दो फोटो मैंने इसलिए लगाए, बिग बॉस में दोनों कंटेस्टेंट थे, उन्होंने बहुत हल्ला मचाया था, तो मुझे याद था इसलिए मैंने ये फोटो लगा दिया होगा। हाँ, तो फ्लैग्रेंट, ग्लेयरिंग, अनकंसील्ड, जो चीज कंसील करना चाहिए, छुपाना चाहिए, उसको कंसील, अनकंसील करते हैं, शेमलेस बातें करेंगे, बेशर्मी भरी, अशेम्ड, अनअशेम्ड, जिनको शर्मिंदगी महसूस ना होती हो, इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट मतलब भी डिसरिस्पेक्ट करना, तेज तेज बोलना, बुरा बोलना, निंदा करना। अनब्लश, ब्लश का मतलब होता है शर्माना, ब्लश मतलब क्या होता है? ब्लशर, ब्लशर आता है ना, इसे गाल में लड़कियां लगाती हैं इधर लाल लाल, उसे ब्लशर कहते हैं। तो ब्लश मतलब, ब्लश क्या? शर्माने का रूप है, लाल लाल मतलब वो तो नकली है, जो लोग ज़्यादा गोरे होते हैं तो वो लोग जब शर्माते हैं तो उनके यहाँ पे लाल हो जाता है, ठीक है, मतलब मेरे पे इसका असर नहीं होगा, मैं तो ये सिर्फ गोरे वालों पे बात कर रहा हूँ। तो ब्लशिंग, ब्लश है, तो अब वो ब्लश की जगह क्या हो गया? अनब्लश हो गया, अनब्लश मतलब उसको शर्म नहीं आ रही। ब्रेजन, ब्रेजन क्या होता है? ब्रेव और ब्रेजन, ये दोनों एक जैसे शब्द है, समझिएगा, एक वर्ड होता है हमारे पास, एक वर्ड होता है ब्रेव, क्या होता है? ब्रेव, और एक होता है ब्रेजन, ये दोनों बहादुर ही हैं। ब्रेव भी बहादुर होता है, ब्रेजन भी बहादुर होता है, लेकिन दोनों की बहादुरी में ये फर्क है कि ब्रेव की बहादुरी को हम पॉजिटिव मानते हैं, ब्रेजन की बहादुरी को हम नेगेटिव मानते हैं। जैसे एक महिला जा रही थी,
एक आदमी आया, ये लड़का आया पीछे से, वो महिला कैसे चेन छीना, छीन के भाग गया। अब देखो चेन छीनना कोई आसान काम नहीं है, मतलब अगर किसी नॉर्मल इंसान से आप बोलो वो महिला जा रही उसकी चेन छीन के भागे तो उसकी दिल की धड़कने बढ़ जाएंगी, भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब वो नहीं कर पाएगा, उसको डर लग जाएगा। हाँ मतलब डर लगेगा उसे, इतना आसान नहीं है ये काम, ये भी मतलब साहस वाली बात है कि कैसे कोई चेन छीन के भाग जाए, तो साहस तो है इसमें भी, लेकिन ये वाला साहस, अब एक लड़का उसने चेन छीन के भागी, पीछे से एक लड़का भागा और उसने उसको पकड़ लिया, तो अब हमारी नजर में वो लड़का वो साहस है, साहस इसने भी दिखाया, लेकिन ये साहस नहीं, ये बोले दुस्साहस है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये दुस्साहसिक कार्य किया है उसने, साहसिक नहीं किया, साहस पॉजिटिव है, दुस्साहस नेगेटिव है, तो दुस्साहस होता है ब्रेजन और साहसी होता है ब्रेव, ये फर्क है दोनों में, ब्रेव एंड ब्रेजन बोथ आर सेम, लेकिन जो पॉजिटिव है वो ब्रेव है, जो नेगेटिव है वो ब्रेजन है, तो ब्रेजन व्यवहार किया होगा उसने कहीं, तो ये सारी सारी की सारी चीजें क्या दिखा रही है, हल्ला मचाने वाले, बुरा बोलने वाले, तेज तेज बोलने वाले चुप नहीं रहेंगे ये, ठीक है, ये माहौल क्रिएट कर देते हैं कहीं पर भी अच्छी जगह पे, लड़ाई झगड़ा कर ही लेते हैं। हाँ अब लिखो ब्लीक, ब्लीक, ब्लीक को ज्यादा भूलने की जरूरत नहीं, ब्लीक को ब्लैक से याद कर लो, ब्लैक क्या होता है, हम जब ब्लैक, ब्लैक क्या है, हाँ मतलब जब हम बोलते हैं ना कि ब्लैक, इस फोटो को आप देखोगे तो बहुत कुछ नजर आएगा, इसमें पटरी भी दिख रही है, अंधेरा भी दिख रहा है, लड़का पटरी में भी बैठा है, अब मतलब आप सोचो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा इस समय कि ट्रेन आ जाए अपन निकल लें जल्दी ऊपर, तो उसका जीवन कैसा है इस वक्त, वो ब्लीक हो चुका है, मतलब उसको कहीं सफलता नजर नहीं आ रही है, उसको उसका जीवन जो है वो बहुत नेगेटिव नजर आने लग गया है, उसको ये लगने लग गया है कि अब अपना कुछ नहीं बचा, मतलब मैं बोलता हूँ ना उमंग है न तरंग है, जिंदगी कटी पतंग है, तो उसको ब्लीक लग रहा है, क्या है, ब्लीक है ना, ये ब्लीक, मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया, ठीक है, सो बेरंग है, खुला है, मतलब ये साफ दिल हो सकता है, लेकिन ये इसमें, लेकिन नेचर में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इस तरीके से जा रहा है वर्ड कि ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये ग्रिम है, दुखी है, डिस्मल है, कोई होप बची नहीं है, डिसहार्टनिंग है, दिल पूरा टूट चुका, चकनाचूर हो चुका है उसका, बैरन है, मतलब जो पूरी तरह से बंजर हो चुका है दिल, ठीक है, डिसोलेटेड है, अकेला थक, अकेला पड़ गया, उससे कोई दोस्त इसके साथ नहीं है जिससे ये बात कर ले, खुद उसने अपने आप को सबसे कट करके रख लिया है, कमरे में अकेला रह रहा है, किसी से बातचीत अब वो नहीं कर रहा है, बेयर विदाउट एक्सपोज्ड, डार्क एम्प्टी, बड़े नेगेटिव नेगेटिव वर्ड है, मतलब ये सारे वर्ड को ब्लैक के आसपास ही समझ लो आप, ब्लीक इज इक्वल टू ब्लैक ओनली, ये समवॉट इट इज नेगेटिव, ये बता रहा है कि इंसान के अंदर होप, आशा जो है वो निराशा में बदल चुकी है, कुछ बचा नहीं है, आगे चलते हैं, बड़ा नेगेटिव वर्ड है, ब्लेमिश, ब्लेमिश कहते हैं दाग को, कई बार चेहरे पे काले या रेड कलर के दाग पड़ जाते हैं ना, उसे कहते हैं ब्लेमिश, और कई बार कलंक का भी ये वर्ड है, कलंक, ब्लेमिश यानी दाग, ब्लेमिश यानी दाग, फ्लॉ इम्परफेक्शन डिफेक्ट, इम्प्योर फ्लॉ, मार्क, मार्क ऑफ डिसग्रेस, मार्क ऑफ डिसग्रेस, ब्लेमिश, लिखा ब्लेमिश यानी कलंक और या दाग, बस दो वर्ड भी आप याद कर लो, फ्लॉ है, डिफेक्ट है, आगे चले, ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड कहते हैं बर्फ वाले तूफान को, ब्लिजार्ड यानी जो बर्फीला तूफान होता है उसको कहते हैं ब्लिजार्ड, बर्फीला तूफान, स्नो स्ट्रॉम, बर्फीला तूफान, स्नो स्ट्रॉम, बर्फीला तूफान, ब्लंट, ब्लंट समझ लीजिए क्या चीज है, एक्चुअल में ब्लंट होता है जैसे चाकू होता है ना, ये
तो चाकू में ये वाला जो हिस्सा है ये शार्प है, धारदार है, इसको बोलते हैं शार्प, क्या बोलते हैं? और ये वाला जो है जिसमें धार नहीं होती इसको बोलते हैं ब्लंट। ब्लंट यानी जिस तरफ धार ना हो, जैसे पेंसिल या पेन भी वाला पेन है तो पेन का ये वाला हिस्सा पॉइंटेड है, ये वाला हिस्सा पॉइंटेड नहीं है, तो मैं इस हिस्से को बोलूंगा ब्लंट हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा जो है वो पॉइंटेड या शार्प हिस्सा है। तो किसी चीज का शार्प पॉइंट शार्प कहलाता है और दूसरा वाला ब्लंट कहलाता है। ब्लंट एजलेस नॉट पॉइंटेड, एजलेस हो सकता है पॉइंटेड ना हो, ये हो सकता है। हो गया? ब्लर यानी धुंधला, ये तो आप जानती हो कि ब्लर हो जाना, इमेज ब्लर हो जाती है यानी धुंधली हो जाना, तो ब्लर यानी कोई चीज शार्प ना हो उसे ब्लर कहते हैं, ब्लर यानी धुंधला होता है, ब्लर इमेजेस। ब्लर यानी धुंधला, नॉट क्लियर, हेजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेजी या ब्लॉट, ब्लॉट हो जाना, ब्लॉट यानी भी फैल जाता है ना, इंक फैल जाती है उसको भी कहते हैं। स्मज, स्मज मतलब स्मज, लड़कियों को पता होगा स्मज क्या होता है, स्मज काजल आता है, आइकॉनिक काजल, स्मज फ्री काजल आता है, स्मज फ्री नहीं वो तो ऐप में आता है, लेकिन स्मज फ्री काजल आता है, स्मज फ्री जैसे कैसे काजल लगाया किसी ने ऐसे, अब मान लेते लड़की ने ऐसे किया वो फैलेगा ही नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है वो ऐसे, अब वो फैलेगा ही नहीं, काजल ऐसे फैल जाना चाहिए पर वो नहीं फैलेगा, उसको बोलते हैं स्मज फ्री। क्या बोलते हैं? वो निकल जाएगा, वो टेक्नोलॉजी लड़कियों को पता है, मगर वो ऐसे करके ऐसे नहीं फैलेगा, मतलब इंक लगी तो ऐसे फैलेगी नहीं, वो ये टैलेंट है, मतलब कंपनी वालों ने इतनी मेहनत करी है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्मज फ्री। क्या बोलते हैं? स्मज फ्री, इसलिए इसको स्मज, स्मज मतलब वो तो फैल जाना, वो चीज़ स्मज कर दे रहा मतलब। तो जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ही खासकर फोटो के सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें आता है, जैसे मान लेते यहाँ पे एक दाग है, कोई नहीं हवा है, हाँ दाग है तो स्मज लगा दिए तो ऐसे वो दाग गायब हो जाएगा, स्मज फ्री। बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस मतलब होता है शोरगुल, हल्ला बहुत ज्यादा, बॉइस्ट्रस राउडी, जिसको हम बोलते हैं ना राउडी, उद्यमी, उद्यमी लड़का, बहुत ज्यादा उद्यमी हो जो हल्ला मचा रहे, मोहल्ले में दो चार ऐसे रहते हैं, उनकी वजह से ही सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, नहीं तो त्योहारों का पता ना चले, गाने भी वही बजाएंगे, डीजे भी वही बजाएंगे, चंदा भी वही कर लेते हैं, मोहल्ले में दिन भर वही खड़े रहते हैं, मतलब ये ऐसे लोग रहते हैं, इनके खड़े रहने से पता चलता है कि अभी तक ये गए नहीं है, मतलब ये हल्ला मचाते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, ऐसे लोगों को बोलते हैं बॉइस्ट्रस इंसान। नॉइजी, टुमल्टुअस एनवायरनमेंट, शोरगुल से भरा हुआ, टुमल्टुअस मतलब क्या होता है? शोरगुल से भरा हुआ या नॉइजी, राउडी, अपरोर, रोरिंग का मतलब ये होता है ना, हाँ रोर यानी शोर को आप समझ लो, वैसे शेर की दहाड़ को बोलते हैं, लेकिन अपरोर होना मतलब बहुत ज्यादा हल्ला मचाना, शोरगुल करना, तो बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस मतलब ऐसे बॉयज जो पूरे मोहल्ले में स्ट्रेस का कारण बनते हों, है ना, बॉइस्ट्रस कहलाते हैं। नॉइजी, राउडी, टुमल्टुअस, अनरूली, अनमैनेजेबल, जिनको मैनेज कर पाना मुश्किल हो, क्लास में दो चार ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको मैनेज नहीं कर पाते हैं अपन, वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे हरकतें ऐसी कि टीचर परेशान होता रहेगा उनसे। बूमरैंग, बूमरैंग, आपने वो मोगली का कार्टून देखा है क्या, किसी ने देखा ना, तो मोगली का वैसे एक पंजा था, वैसे फेंकता था तो ऐसे गोल घूम के वापस आ जाता था, वो उसी को बूमरैंग डिवाइस कहते हैं, हाँ लकड़ी का, ये जो बना है ना, ये इसके हाथ में, ये इसी को बोलते हैं बूमरैंग। बूमरैंग का मतलब होता है किसी चीज का घूमकर वापस आ जाना, बूमरैंग मतलब किसी चीज का घूमकर वापस आ जाना, बूमरैंग होना, जैसे इकोनॉमी बूमरैंग हो गई,
इकोनॉमी क्या हो गई है, मतलब इकोनॉमी ठीक करने की कोशिश करके जैसे से ठीक हुई और फिर वापस से खराब हो गई, तो उसे बोलेंगे बूमरैंग हो गई, स्थिति वही लौट के आ गई। तो बूमरैंग होना है मतलब कोई चीज घूमकर वापस आ जाना, कोई चीज घूमकर वापस आ जाना, उसे कहते हैं बूमरैंग होना। बूमरैंग यानी पुनः रिटर्न आ जाना, पुनः वापस आ जाना, बैकफायर, रिकॉइल, रिवर्स, रिबाउंड, कमबैक, बाउंस बैक, इन सबका मतलब होता है पुनः वापस आना। ब्रैंडिश, हाँ। अब आया ब्रैंडिश। ब्रैंडिश शब्द का मतलब होता है कि किसी धारदार हथियार को पकड़ना और ऐसे करके घुमाना, लेकिन उसका उपयोग डराने के लिए होगा, ना कि मारने के लिए। तो जब आप किसी धारदार वस्तु को किसी को डराने के लिए ऐसे चला रहे हो, ना कि मारने के लिए, उसे कहते हैं ब्रैंडिशिंग करना। ब्रैंडिश यानी किसी धारदार वस्तु को पकड़ना और उसका उपयोग डराने के लिए हो, ना कि मारने के लिए हो, उसे ब्रैंडिश करना कहते हैं। ब्रैंडिश, ही ब्रैंडिश द स्वॉर्ड इन न्यू मार्केट, यानी उसने न्यू मार्केट में तलवार चमकाई, ऐसा बोलते हैं ना कि चार लोगों को डराने के लिए, ना कि मारने के लिए, कि लोग दहशत में रहेंगे फिर अपन से फालतू बातें नहीं करेंगे। ये ब्रैंडिश, समझ में आए? ब्रिविटी, ब्रिविटी मतलब नजदीक, संक्षिप्त, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, ब्रिविटी में बात करना। ब्रिविटी क्या होता है? संक्षिप्त, संक्षिप्त में बोलना, ब्रिविटी में बोलना, यानी कम शब्दों में ज्यादा बोल लेना, या लिमिटेड वर्ड्स में बोलना किसी बात को, ज्यादा डिटेलिंग नहीं करना किसी चीज की, लेकिन टू द पॉइंट बोल देना, उसे कहते हैं ब्रेविटी में बोलना। ब्रेविटी मतलब ब्रीफनेस, शॉर्ट, कॉन्साइज, हाँ, टर्स, टर्स, संक्षिप्त, कॉन्साइज, कम शब्दों में करना, ब्रीफ यानी संक्षिप्त करना। आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना, कोई भी क्वेश्चन, दो नंबर वाले क्वेश्चन आते थे स्कूल में, लिखा रहता था एक्सप्लेन ब्रीफली, है ना, एक्सप्लेन ब्रीफली मतलब दो ही नंबर तो मिलेंगे, एक पन्ना लिख के भी क्या फायदा, दो तीन लाइन में लिखो, एक नंबर ले लो, है ना। ब्रिस्क, नहीं, ब्रिस्क का मतलब होता तेज, तेज चलना, फटाफट, तेज। कई लोग चलते हैं ना तो धीरे धीरे चलते हैं ऐसे ऐसे, ये ब्रिस्क है, मतलब चलेंगे हाथ पैर ऊपर करके बड़ी स्पीड से, सुबह सुबह चलते हैं आपने देखा होगा, उसे कहते हैं ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक मतलब होता है तेज चलना, तेज तेज चलने के लिए, चलने पे लिए यूज होता है, इसमें जॉगिंग या रनिंग नहीं आती, हाँ, स्पीड से चलते हैं, उसे कहते हैं ब्रिस्क वॉक, हाँ, ब्रिस्क वॉक करना, तेज चलना, हाँ, सुबह सुबह। कई लोग आपको बहुत मोटे मोटे मिल जाएंगे, वो तो नींद में ही चलते रहते हैं ऐसे, सुबह उठ गए और ऐसे ऐसे चलेंगे, उनका जीवन में कुछ नहीं हो रहा, बस वो उठ गए, नींद ही खराब कर रहे हैं, बाकी पेट पेट कम नहीं होने वाला। ये ब्रिस्क वॉक करनी पड़ेगी उसके लिए, फैट बर्न करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो ब्रिस्क वॉक यानी तेज चलना, फुर्ती से चलना। क्विक, क्रिस्प वॉक इसको बोलते हैं, क्रिस्प वॉक। ब्रिटल, ब्रिटल क्या होता है? नाजुक, सुनने में तो दिखने में तो मजबूत हो, दिखने में मजबूत हो, पर जैसे ब्रिटल ये जो है ना, ये आपने देखा होगा, ये मिलती है, गजक वजक मिलती रहती है ना ठंड में, ये गजक टाइप की है ना, तो ये दिखती तो मजबूत है लेकिन आप उसे तोड़ोगे तो टूट जाएगी। कांच क्या होता है? ब्रिटल होता है, कांच है तो होता तो मजबूत है लेकिन आप छोड़ दो तो क्या होगा, टूट ही आएगा, तो ब्रिटल है वो, दिखने में मजबूत होता है पर नाजुक होता है, उसे कहते हैं भंगुर या टूटने योग्य या वीक या ब्रेकेबल, आप उसको फ्रेजाइल भी कहते हो, क्या कहते हो? फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब इजीली ब्रोकन,
जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता हो। ब्रिटल मतलब क्या होता है? इजिली ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता हो। जैसे ये प्लेट दिख रही ना, प्लेट है तो मजबूत मगर गिर गई, अब गिर गई तो टूट जाएगी, तो ब्रिटल है ना। हाँ, अब जुड़ नहीं पाएगी, ये भी है। निष्ठुर, ब्रूटल, ब्रूटल तो हमने पढ़ लिया ना पहले, ब्रूटल यानी क्रूर, पढ़ लिया। हाँ लिख लो, ब्रूटल यानी क्रूर, ब्रूटल यानी क्रूर, क्रूरतापूर्ण, ब्रूटल पर्सन, व्यक्ति कैसा है? ब्रूटल है। ब्रूटल यानी क्रूरतापूर्ण, जिसके मन में दया ना हो। लिखा सेवेज, ब्रूटल, क्रूएल, अनमर्सीफुल, मर्सी मतलब दया, अनमर्सी मतलब जिसमें दया ना हो। बुली, बुली होता है धमकी देने वाला, किसी को झगड़ा मोल लेने वाला, आंखें दिखाने वाला, कोई भी व्यक्ति उसके सामने आएगा बोलेगा अच्छा, जैसे अमेरिका करता रहता है सबको, अमेरिका सबके साथ करता रहता है, तुम ये नहीं करोगे, तुम ये मिसाइल परीक्षण नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुमने किया तो हम तुम पे हमला कर देंगे, ये सब डराने धमकाने वाला काम करते रहते हैं, इसलिए इसको बुली कहते हैं। बुली, बुल से बना वर्ड बुली, बुल से बना, बुली, बुली मतलब हाँ बुल जैसा, बुली हाँ, डराने धमकाने वाला, ऑप्रेस करना, दबाना। ब्रॉन, ब्रॉन, ब्रॉन यानी मस्कुलर बॉडी, ब्रॉन, एक होता है ब्रेन, कुछ लोगों में ब्रेन होता है, कुछ लोगों में ब्रॉन होता है, किसी का ब्रेन अच्छा है, किसी का ब्रॉन अच्छा, कुछ लोगों का ब्रेन एंड ब्रॉन दोनों अच्छा है ना, तो ब्रेन यानी दिमाग और ब्रॉन यानी मस्कुलर बॉडी, तो ब्रेन एंड ब्रॉन, सम हैज ब्रेन सम हैज ब्रॉन, किसी के पास ब्रेन होता है किसी के पास ब्रॉन होता है। नहीं, सुअर का मांस कहाँ से आया? हाँ जब कहते होंगे सुअर का मांस भी आता होगा उसमें ब्रॉन, मस्कुलर स्ट्रेंथ, पॉर्क भी कहते हैं उसको, सुअर के मांस को पॉर्क भी कहते हैं, PORK, हैम होता है, एक हैम वो उसका होता है, शीप का, ब्रेजिन, ये तो अपन ने पढ़ लिया ना, हाँ हमने पढ़ लिया ब्रेजिन अभी अभी, ब्रीच, ब्रीच मतलब होता है उल्लंघन करना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, जैसे उन्होंने ब्रीच कर दिया, हाँ जैसे दो लोगों ने मिलकर कोई व्यापार शुरू किया और दो लोगों ने कहा कि चलो अपन मिलकर कोई काम करते हैं और पार्टनरशिप बना दी, लेकिन एक बंदा तो बहुत मेहनत कर रहा है, दूसरा वाला मेहनत ही नहीं कर रहा, तो उसने क्या कर दिया, बोले यार मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, उसने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही तोड़ दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही ब्रीच कर दिया मतलब तोड़ दिया है, तो ब्रीच कर देना मतलब उल्लंघन कर देना, तोड़ देना, ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉयलेशन ऑफ प्रॉमिस और फेथ, वॉयलेशन, वॉयलेट करना, वॉयलेशन यानी उल्लंघन, ब्रू, बेसिकली ब्रू जो है वो शराब बनाने को बोलते हैं, या कोई चीज ब्रू मतलब झागदार ऐसा भी कह सकते हो, ब्रू कॉफी है ना, तो ब्रू मतलब होता है झागदार, जैसे ये ब्रू मतलब झाग, जिसमें झाग ज्यादा हो, झाग जिसमें बोलते हैं ब्रू, ब्रू यानी जिसमें झाग हो, ब्रू कॉफी, अरे कि वो ब्रू है, ये ब्रू है, मेड बाई इन्फ्यूजन। ब्रिका ब्रैक, ये छोटे मोटे, ये जो ब्रिका ब्रैक मतलब छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स, हाँ छोटे छोटे, हाँ ठीक है, ब्रिका ब्रैक यानी छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स, या हम इसको ट्रिंकेट कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रिंकेट्स, क्या कहते हैं, ट्रिंकेट्स, ट्रिंकेट,
ब्रेविटी हमने अभी पढ़ा, ब्रीफनेस है ना, ब्रिडल, ब्रिडल मतलब होता है लगाम, घोड़े पे जो डाली जाती है उसको लगाम कहते हैं, ब्रिडल कहते हैं, ब्रिडल यानी लगाम, घोड़े पे जो लगाई जाती है उसे ब्रिडल कहते हैं। अनब्रिडल्ड सिचुएशन यानी ऐसी परिस्थितियां जो कंट्रोल के बाहर हो जाएं, और ब्रिडल ऑफ द सिचुएशन यानी ऐसी सिचुएशन जिसको हम कंट्रोल कर सकते हो, ब्रिडल, ब्रिडल यानी जिसको कंट्रोल किया जा सकता हो, टू चेक और टू रिस्ट्रेन और टू कंट्रोल, बेसिकली लगाम के लिए यूज होता है। ब्रिंडल, ब्रिंडल कहते हैं इसको, जैसे गाय आपको दिख रही है ना, इसमें स्पॉट स्पॉट है, ये इनको एनिमल्स के लिए इसमें यूज होता है ब्रिंडल। हाँ मतलब ब्रिंडल क्या बोलेंगे, ये तो हिंदी लिखा हुआ है इसका गलत, ब्रिंडल मतलब ये हिंदी नहीं लिखना है, लगाम गलत लिखा हुआ है, स्पॉट स्पॉटेड होता है, ये स्ट्रिप्स होती है बेसिकली, STRIPS, स्ट्रिप्स हो सकती हैं, ये स्ट्राइप्स या कई बार एनिमल्स में पट्टियां होती हैं या चित्ते चित्ते होते हैं ना उसको, तो डार्क स्ट्रीक्स इसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रीक्स, स्ट्रीक कहते हैं, स्ट्रिप्स एंड स्ट्रीक्स, ब्रिंडल लिखा, ब्रिक्विट जिसको हम बोलते हैं, ब्रिक्विट क्या होता है, ये जो कोयले कोयला होता है ना, जला हुआ है, जल रहा है जो कोयला, चारकोल के लिए जलने वाला हिस्सा जो होता है ना, स्मॉल ब्लॉक ऑफ चारकोल इज कॉल्ड ब्रिक्विट। जलता हुआ कोयला ऐसा समझ सकते हो आप, ब्रिक्विट होता है, जलता हुआ कोयला, दहकते हुए शोले, उसकी आंखों में दहकते हुए शोले दिख रहे थे, पिक्चर का नाम शोले इसलिए। ब्रोच, ब्रोच का मतलब होता है कोई विषय छेड़ना, मतलब विषय छेड़ना मतलब किसी मुद्दे पर बात करना, या जैसे दो लोग बैठे हैं वो बात तो हो ही नहीं रही जो बात होनी थी, मगर एक बंदे ने जबरदस्ती वाला पॉइंट छेड़ दिया ताकि दो लोगों में झगड़ा वगड़ा कुछ तो शुरू हो ही जाए या चलो बातचीत शुरू हो जाए। तो ब्रोच करने का मतलब होता ओपन अप डिस्कशन यानी किसी बातचीत का शुरुआत करना। वो मेरे गाना याद आ गया था, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, मम्मी ने चाय पे बुलाया। अब मम्मी चाय पे बुला रही तो चाय थोड़ी ना पिलाएंगी, वो बातों बातों में पूछेंगी बेटा करते क्या हो, है ना, उसके बाद फिर आगे पूछेंगी हाँ तो तुमको पता है मेरी लड़की का खर्चा इतना है, तुम्हारा तो मतलब पेट्रोल नहीं डलवा पा रहे हो तुम, है ना, तो फिर वो बोलेंगी रहन दो तुम मत करो शादी, है ना। तो स्टार्ट अ डिस्कशन, स्टार्ट अ डिस्कशन मतलब किसी बातचीत की शुरुआत करना, ब्रोच करना, ठीक है, ब्रोच। ब्रोकेड, ब्रोकेड कहते हैं जरी वस्त्र को, जरी वाले कपड़े आते हैं उनको ब्रोकेड कहते हैं, जरी वस्त्र, बूटेदार हिंदी में लिख लो, जरी वस्त्र, जरी वाले कपड़े को ब्रोकेड कहते हैं, जरी वाले कपड़े को ब्रोकेड क्लॉथ कहते हैं। हाँ ब्रोकेड जरी वस्त्र, शिफॉन अलग होता है। ब्रॉयल यानी झगड़ा, ब्रॉयल करना मतलब झगड़ा करना, विवाद झगड़ा कलह है, ब्रॉयल एक मतलब होता है क्वेरल, और एक मतलब होता है ब्रॉयल मतलब किसी चीज को डायरेक्ट हीट पे पकाना, उसको भी कहते हैं ब्रॉयलर या ब्रॉयल। तो ब्रॉयल का मतलब होता है किसी चीज को डायरेक्ट आंच में पकाना, और एक मतलब होता है विवाद या झगड़ा करना। दो मीनिंग है इसके, दोनों के फोटो मैंने अलग अलग लगा दिए हैं। तो एक मतलब होता है, हाँ एक होता है डायरेक्ट विवाद करना, देवर ब्रॉयलिंग टुगेदर, वो दोनों झगड़ा कर रहे थे, और एक ब्रॉयल मतलब होता है सेकना किसी चीज को आंच पे खासकर। ब्रूच, ये जो आपने देखा वो टाई वाई पे जो पिन लगाते हैं ना उसको लोग ब्रोच कह देते हैं, लेकिन उसको ब्रूच कहते हैं। ब्रूच मतलब होता है ऑर्नामेंटल क्लास्प, ये जो टाई में या कोट में या साड़ी में
जो लगाई जाती है उसको, जो जो डेकोरेटिव पिन होती है उसको ब्रूच कहते हैं, डेकोरेटिव पिन। ब्रूच मतलब क्या होता है? डेकोरेटिव पिन, ब्रूच, इट इज अ ब्रूच। ये क्या है? एक डेकोरेटिव पिन है, इट इज अ ब्रूच। ब्रूचिंग के कई मतलब हो सकते हैं, ब्रूड के, सॉरी, एक ब्रूड तो मतलब होता है जो मुर्गी अंडे वगैरह ही सेती है, अंडे सेकना तो ना, वो मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है ताकि उसको हीट मिल जाए, तो एक तो एक मतलब ब्रूड वो होता है, ब्रूडर्स कहलाते हैं। एक ब्रूड का मतलब होता है कि किसी के ख्याल या कोई बात में बहुत ज्यादा सोचते रहना, ब्रूडिंग, थॉट्स में ब्रूड कर सकता है इंसान। और एक ब्रूड मतलब होता है ग्रुप में रहना, समूह में रहना। तो ब्रूड के कई मतलब हो सकते हैं। ब्रूड मतलब थिंक डीपली, आई वॉज ब्रूडिंग इन माई थॉट्स, मतलब मैं विचारों में ब्रूड कर रहा, मतलब सोच रहा था, विचार में था, ब्रूड कर रहा था। तो एक तो होता है सेना, है ना, अंडे को खासकर, और एक मतलब होता है सोचना या विचार करना, और एक मतलब होता है जैसे मैंने कहा नेताजी वहां घूमने अपने ब्रूड्स के साथ गए, ब्रूड्स के साथ गया मतलब फैमिली एंड फ्रेंड, दो चार उन्हें अपने चेले वेले चेले चपाटी इकट्ठे कर लिए, फिर वहां घूमने गए वो, तो ब्रूड्स, फिर नेता अकेले जाता भी नहीं है ना, तो ब्रूड्स के साथ ही जा रहा है वो, अकेले मतलब नहीं जाएगा, तो ब्रूड। समझ में आया? ब्रूक, ब्रूक कहते हैं जो छोटी नदी होती है ना, उनको कहते हैं ब्रूक, नदियों के लिए यूज होता है, छोटी नदी खासकर, स्मॉल स्ट्रीम, नदी की जलधारा, छोटी जलधाराओं को ब्रूक कहते हैं, ब्रूक लेन। और एक ब्रूक का मतलब होता है सहन करना, हाँ, सहन करना, टॉलरेट करना, कि मैं आपकी बात इतनी देर से सहन कर रहा हूं, टॉलरेट कर रहा हूं। तो ब्रूक का एक मतलब होता है सहन करना, एक मतलब होता है बहना, नाला जिसको आप कहते हो, स्मॉल रिवर, स्ट्रीम ऑफ स्मॉल रिवर, ब्रूक, हाँ, स्ट्रीम कहते हैं नदी की धारा को। ब्रोबीट, ब्रोबीट मतलब होता है त्योरी चढ़ाना, त्योरी चढ़ाना समझते हैं, ऐसे आंख को ऊपर ऐसे भौं ऊपर करते हैं गुस्सा दिखाने के लिए, उसे कहते हैं ब्रोबीट, हिंदी में कहते हैं त्योरी चढ़ाना, त्योरी चढ़ाना मतलब गुस्सा दिखाना, ब्रोबीट। ब्रोबीट, ब्रो यानी भौं को बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं त्योरी चढ़ाना यानी गुस्सा दिखाना, ब्रोबीट। ब्रो यानी आईब्रो, त्योरी उसी का फॉर्म है, जब इंसान गुस्सा दिखाता है तो आंखें ऐसे बड़ी बड़ी करके नहीं ऐसे ऊपर करता है, वही है ये, ब्रोबीट यानी गुस्सा दिखाना। ब्रस्क, ब्रस्क के दो मतलब होते हैं, एक तो लड़की को आप देख रहे हो किसी को मुंह चढ़ा रही है तो उसका नेचर ब्रस्क नेचर है, कैसा नेचर है? ब्रस्क नेचर है, बेअदबी करना, अदब से बात नहीं करना, अशिष्टता वाला व्यवहार करना, है ठीक है। तो एक तो होता है ब्रस्क नेचर होता है कुछ लोगों का, रूखा बोलेंगे, रफ बोलेंगे, पोलाइट बिल्कुल नहीं होंगे अपने बातचीत में। और एक ब्रस्क का मतलब होता है अनफिनिश्ड, जो कि फिनिश्ड, जैसे ब्रस्कली खत्म करना, कई बार प्रेजेंटेशन में या कई बार आप जो रोज के धारावाहिक देखते हो ना, डेली सो, 8:30 से 8:30, 8:30 से 9, इसमें क्या करते हैं ये लोग ना, एक सस्पेंस में लाके खत्म करते हैं, फिनिश नहीं करते हैं कि आज का सीरियल यहाँ खत्म हुआ, ऐसा नहीं होगा, वो ऐसे जगह खत्म करेंगे कि अपन को लगेगा सस्पेंस कि अब कल क्या होगा ये देखते हैं, तो वो ब्रस्कली खत्म करते हैं, उसे कहते हैं अचानक ही कोई चीज खत्म कर देना। ब्रस्कली मतलब जैसे मैं स्पोकन इंग्लिश के बैचेस में क्या होता है, बच्चे प्रेजेंटेशन देने आते हैं तो एक दो लाइन बोलते हैं, आई मीन्स आई वांट टू से एंड सर एंड वेरी गुड एंड बस सर मैं जा रहा हूँ, अरे मैंने कहा पूरा तो बोलो क्या बोलना है, नहीं नहीं सर बस अब सर याद नहीं आ रहा, मतलब वो टॉपिक को कंप्लीट करना चाहिए, स्टार्ट फिनिश दोनों होना चाहिए ना, कि अब यहाँ पे टॉपिक खत्म हुआ, लेकिन वो क्या करते हैं ब्रस्कली खत्म कर देते हैं, अनफिनिश्ड जिसको बोलते हैं, फिनिश नहीं करते हैं प्रॉपरली, उसको सही तरीके से खत्म नहीं करते, उसको बोलते हैं ब्रस्कली। ब्रूट तो आपको पता ही है, बकिनियर, बकिनियर मतलब होता है समुद्री डाकू, बकिनियर, बकिनियर मतलब आपने मूवी देखी होगी ना कैप्टन जैक स्पैरो, हाँ, तो बकिनियर मतलब पायरेट्स, बकिनियर मतलब पायरेट, पायरेट ऑफ कैरेबियन पिक्चर का नाम वही है।
समुद्री लुटेरे, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, कैप्टन जैक स्पैरो. जैक मतलब गधा, जो गधों जैसी हरकतें करे. इसी पिक्चर में वो गधों जैसी हरकतें भी करता था, उसका काम हो जाता था ये अलग बात है, लेकिन वो हरकतें गधों जैसी करता था. हाँ हाँ, इसीलिए उसका नाम है जैक. बकले गमार, वैसे तो इसका मतलब होता गंवार. बकले के यानी मतलब गंवार होना. मतलब अब गंवार वर्ड एक्चुअली गांव से निकला, तो गंवार गांव में रहने वाला. लेकिन गांव में रहने वाला बेसिक हम यूज कर रहे हैं उसको, लेकिन बेसिक मतलब इसका गंवार है. गंवार कौन है? जिसके अंदर मतलब सभ्यता नाम की चीज ना हो, जिसको समझ में ना आए क्या करना है. कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, सोशल एटिकेट एंड मैनर्स के खिलाफ होती हैं, लेकिन जो लोगों को पता नहीं होती और वो अनजाने में उस गलती को कर रहे होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बकलिक. क्या बोलते हैं? बकलिक. बफून, मजाक उड़ाना. बफून, बफून यानी जोकर. बफून किसे कहते हैं? जोकर या क्लाउन या मजाक उड़ाना. मस्खरा, बुलडोज. बुलडोज या बुलडोज मतलब एक्चुअली बुलडोज का, बुलडोजर का एक मतलब होता है कि रंगदारी करना, गुंडागर्दी करना, गुंडागर्दी दिखाना, या उसको भी कहते हैं बुलडोज. अब ये मशीन आती है ना बुलडोजर मशीन, आजकल सब घर तोड़े जा रहे हैं. बुलडोज, बुलडोज मतलब तोड़ना, डिस्ट्रॉय करना एक प्रकार से. हाँ, गुंडागर्दी करने का भी इसका एक मतलब होता है. ये बेसिक मतलब ऐसे हैं कि क्लियर कर देना ग्राउंड को, या डिस्ट्रॉय कर देना खासकर बिल्डिंग या ट्री के लिए. अभी एक एग्जांपल है, डेवलपर्स आर बुलडोजिंग द साइट. जो डेवलपर है वो साइट को तोड़ रहे हैं. इसका सिनोनिम है डिमोलिश करना, तोड़ देना, नॉक डाउन तोड़ देना, टीयर डाउन फाड़ देना, खत्म कर देना, पुल डाउन गिरा देना, फ्लैट एंड गिरा के बिल्कुल उसको फ्लैट कर देना, लेवल कर देना, बराबर कर देना, रेज निस्तो नाबूद कर देना, रेज टू द ग्राउंड मतलब पूरी तरह से तोड़ते हुए जमी दोस कर देना. तो क्लियर, डिस्ट्रॉय, ले वेस्ट, ये सब का बेसिक मतलब है तोड़ना या नष्ट कर देना या बराबर कर देना. समतल करने के लिए भी बुलडोज शब्द का यूज होता है. कई बार जमीन उबड़ खाबड़ है तो अपन बुलडोज करके क्या कर सकते हैं, उसको प्लेन कर सकते हैं, इसलिए यूज हो रहा है ये. बुलियन, बुलियन यानी सोना. इट्स अ बुलियन. बुलियन मतलब बुल, बुलियन वर्क. गोल्ड एंड सिल्वर इन द शेप ऑफ रॉड्स. ये जो गोल्ड और सिल्वर को इस तरीके से बार में जब ढाल दिया जाता है ना, तो बुलियन कहलाता है. गोल्ड या सिल्वर को इस बार में जब ढाला जाए तो हम इसे बुलियन कहते हैं. बुलियन. बुलवार्क, बुलवार्क मतलब होता है किसी चीज के अगेंस्ट काम करने वाला. बुलवार्क मतलब होता है किसी चीज के अगेंस्ट. जैसे एक मशीन होती है ना, आपने सारी जिम की मशीन देखी होंगी, आप ऐसे फोर्स लगाते हो, मशीन बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है, उसे बुलवर्किंग कहते हैं. मतलब आप फोर्स लगा रहे हो अंदर और मशीन फोर्स लगा रही है बाहर, या आप ऐसे खींच रहे हो तो मशीन ऊपर की तरफ खींच रही हो, तब आपको ताकत लगानी पड़ रही है, तो उसे कहते हैं बुलवर्किंग करना, किसी चीज के अगेंस्ट काम करना. बुलवर्क, हाँ, ऑपोजिट की तरफ. और एक ये बुलवर्क का मतलब ये भी होता है, ये जो किले होते हैं, किले के चारों तरफ जो दीवार होती है उसको रैमपार्ट कहते हैं, और ये मजबूत बनाई जाती है ताकि जब कोई दुश्मन हमला करे तो वो तोड़ ना पाए, उसे कहते हैं बुलवर्क. एक और मतलब होता है, क्या होता है बुलवर्क? ये जो दीवार होती है ना बाहरी, इसको रैमपार्ट कहते हैं या डिफेंसिव वॉल कहते हैं. क्या कहते हैं? रैमपार्ट या डिफेंसिव वॉल. आ गया समझ में? ठीक है, चलो आज इतनी करते हैं. ऑलरेडी आपने आज कितने 30-35 वर्ड्स कम से कम ऊपर ही पढ़े होंगे, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि याद भी नहीं होंगे, आपको इतना रिवीजन का भी टाइम चाहिए. तो कल वापस से बी के आगे चलेंगे, फिर बी कंप्लीट करके अपन सी की वोकैबुलरी में जाएंगे, ठीक है. चलिए आज इतनी करते हैं.